बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या चला सबको? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू पिज़्ज़ाज़ किचन। आज मैं पिज़्ज़ाज़ किचन में आप सबके साथ बहुत ही मज़े के मैंगो स्क्वाश की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैंगो का सीज़न है और मैंगो तो हर घर में छोटे बड़े सबको ही बहुत पसंद होता है। और अगर अभी तक आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं की तो समझ लें आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात, आप इस रेसिपी को बना के, यानी कि मैंगो फ्रूटली को बना के एक दफ़ा फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और आसानी से 3-4 माह तक इसके मज़े ले सकते हैं। तो चलें जी, फिर मैंगो फ्रूटली को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 किलो आम लिया और उन्हें अच्छे से धो के, देखें, इस तरह से रख लिया। और साथ ही इसके मैंने एक कैरी, यानी कि एक कच्चा आम है जो, वो भी लिया। तो इन्हें अब हम छील लेंगे। और ये यहाँ पर देखिए, मैंने अब इन्हें छील लिया और इस तरह से देखिए रफली सा कट कर लेंगे। और कैरी को भी इसी तरह से हम छील के रफली सा कट कर लेंगे। अब लेंगे एक जूसर जग और इसके अंदर डाल देंगे मैंगो को जो हमने अभी कट किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसके अब हम डाल देंगे कैरी को भी। अब इन्हें हम ब्लेंड कर लेंगे। इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ हमने आम को और कैरी को डाला है अभी। इस तरह से देखिए इसकी प्यूरी सी एक बन जाएगी। अब एक कढ़ाई लेंगे, कोई भी पैन ले लें आप। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं की और सारी प्यूरी है जो इस पैन में या कढ़ाई में, कोई भी आप पॉट ले सकते हैं, उसमें हम निकाल लेंगे। और अब जो जग में रह गई है थोड़ी बहुत प्यूरी, उसको भी हम निकालने के लिए, वैसे भी हमने पानी डालना है तो हम 1.5 गिलास पानी है जो 1.5 गिलास डाल लेंगे, कि जग भी अच्छे से साफ हो जाएगा, उसके अंदर जो प्यूरी रह गई है वो भी इसमें डल जाएगी। और अब हम इसके नीचे जो फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि कोई प्यूरी इसके अंदर नीचे बैठी हुई तो नहीं रहेगी। अब साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। चीनी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप, ये मैंने डाल दी 1 कप। और साथ ही इसके मैं डाल दूँगी 1 कप और, क्योंकि अभी आम है जो वो इतना मीठा नहीं है और हमारे घर में वैसे भी मीठा थोड़ा ज़्यादा ही पसंद किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे 2 कप है जो, वो परफेक्टली है इसमें। 1 किलो आम का जो है उसमें चीनी 2 कप बहुत अच्छी है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और 30 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। देखिए अभी 5 मिनट हुए हैं और इसे एक बॉयल आना शुरू हो गया। और अब इसके नीचे हमने फ्लेम है जो वो हल्की कर देनी है, ये ना हो कि ये उबल जाए। और साथ ही इसके जो हम, ये देखें, जैसे कि मैं किनारों से साफ़ कर रही हूँ, ये भी आपने साथ साथ साफ करते रहना है। और मज़ीद इसे अब हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे, जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। देखें अब यहाँ पे ये थिक हो गया, मैंने इसे 20 मिनट मज़ीद पकाया, देखें इस तरह से कुक किया। ये जब इस तरह से ये किनारे छोड़ना शुरू कर दे, बबल बनना शुरू हो जाए, तो आपने समझना है कि ये परफेक्ट है। इसके लिए हमने परफेक्ट इतना ही हमने इसे कुक करना। बस अब हम फ्लेम है जो वो ऑफ़ कर देंगे और मैं आपको इसकी थिकनेस है जो वो भी दिखाती हूँ। देखें अभी ये इतना थिक है, लेकिन अभी ये मज़ीद होगा ठंडा हो के, हमने इससे ज़्यादा थिक नहीं करना इसे। और अब इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे मुकम्मल तौर पर, इसे अब हम ठंडा करेंगे। देखिए इस तरह से इतना ही थिक होना चाहिए ये। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं आपका ये ठंडा हो गया मुकम्मल तौर पे, हमने इसे ठंडा किया। अब अभी हम एक स्ट्रेनर लेंगे, इस तरह से एक बाउल ले लें, खुले बर्तन, खुले मुंह वाला कोई आपने बर्तन लेना जिसमें कह लें कि ये नीचे नहीं गिरेगा और आसानी से आप इसे स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे। ये थोड़ा थिक होता है तो इसीलिए आपको स्पून की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से आप घुमाएंगे तो वो प्यूरी कह लेंगे आसानी से नीचे निकलती जाएगी। और इसे आपने स्टेन ज़रूर करना है, इससे यह है कि इसके अंदर जो आम के अंदर जो रेशे होते हैं, जैसे कि जिसे हम बाल वगैरह कहते हैं, कोई भी वो नहीं जाएंगे। और बच्चों के मुंह में फिर वो आते हैं तो बच्चे कह लें कि इसे पसंद नहीं करते।
और इधर देखिए मैंने इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया और इस तरह से एक मैंने जग में डाला और एक मैंने वो बॉटल में डाला। इस तरह से देखें आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना। और आप इसके अंदर अब हम डालेंगे क्यूब्स, आइस क्यूब्स डालेंगे। आइस इसमें ज़्यादा जाएगी, अगर आपने आइस ज़्यादा डालें तो फिर आप पानी की मिकदार है जो वो कम रखेंगे। मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। देखें जैसे कि हम इजीली बताऊँ मैं आपको कि हम रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, उसी तरह हमने इसे बनाना है। थोड़ा सा हम मैंगो फ्रूट भी बनाएंगे जो हमने अभी तैयार किया था। अगर आपने बर्फ़ ज़्यादा डालनी है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, फिर आपने पानी की मिकदार है जो वो कम रखनी है। और अगर आपको कैरी नहीं मिल रही तो आप इसकी जगह कह लेंगे 1 टेबलस्पून है जो विनीगर भी ऐड कर सकते हैं। कैरी है जो वो हम इसीलिए डालते हैं कि जो मैंगो है, हम इसे मैंगो फ्रूटली बना रहे हैं या मैंगो स्क्वाश बना रहे हैं, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकें। तो अब देखें इधर मैंने इसे कितने मज़े का आपके लिए, देखें आज मैंने आपके साथ ड्रिंक की एक रेसिपी शेयर की, अब मैं आपको ये पी के भी बताती हूँ। बहुत ही मज़े का बना हुआ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, गर्मी बहुत लगी हुई है। बहुत ही मज़े का बना, सच में आप एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करें। अब बाहर के कोई भी ड्रिंक है जो उन्हें अवॉइड कर देंगे, मेहमान आए मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं, स्कूल से बच्चे आए उन्हें बना के दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की जो रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई आसान सी रेसिपी का। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।